गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की डेट है 21 मई 2020 एंड डे थर्सडे, क्लास फिफ्थ CW, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 5। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5। लास्ट क्लास में आप सबने एक्सरसाइज 4 कर ली थी और चैप्टर नंबर 5 देखिए, एक्सरसाइज 5 आपकी पूरी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे, इसीलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल दोनों नंबर सिस्टम मैंने आपको विद एग्जांपल क्लियर किए, तो दोनों नंबर सिस्टम आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 पूरी आपकी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे थी। आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम नहीं आते तो एक बार जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बताया था वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। यदि आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम नहीं आएंगे तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। देख, क्वेश्चन नंबर 1, रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरियल्स विथ प्रॉपर कॉमास यूजिंग द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या करना है आपको, पहले नंबर अच्छे से रिराइट करना, उसके बाद इसमें कॉमा लगाना और यूजिंग द नंबर इंटरनेशनल सिस्टम, कौन से इंटरनेशनल कौन से सिस्टम से, इंटरनेशनल सिस्टम को यूज करके आपको कॉमा लगाना है, ना कि इंडियन से। यहाँ देखिए बी वाला 5096830, तो आपने ध्यान दिया होगा उसमें 3 कॉलम बनते हैं, ऊपर का होता है मिलियन, सेकंड होता है 1000 और थर्ड होता है वंस। वंस में आपके 3 कॉलम अंदर होते हैं, मतलब 1, 10, 100, ऐसी 1000 में आपके 3 होते हैं और ऐसी मिलियन में आपके 3 होते, मतलब 3-3 वैल्यू पे आपका कॉमा लगते हुए चले जाएगा। और कहां से, लास्ट से, हमेशा कॉमा आप लास्ट में लगाओगे, चाहे आप इंडियन पढ़ो या इंटरनेशनल पढ़ो, दोनों में आपके कॉमा पीछे से ही लगते हैं। यहाँ देखिए 1, 2, 3, उसके बाद कॉमा, फिर 1, 2, 3, फिर कॉमा, लास्ट में 2 digit, ये हो गया आपका 50,968,302। ऐसे ई वाला देखिए, इसका 4915605432। पहले आपने सारे नंबर लिख लिए, उसके बाद कॉमा लगाते, लास्ट से 1, 2, 3 कॉमा लगाया, 1, 2, 3 कॉमा अगेन 1, 2, 3, ये हो गया 491, ये हो गया मिलियन 560,543। एच वाला देखिए 1000601, पहले आपने नंबर लिख लिया, फिर लास्ट से फिर कॉमा, 1, 2, 3 कॉमा, 1, 2, 3 कॉमा, 1, 2, 3, तो ये हो गया 100,006,001, ये हो गया आपका कॉमा। 3 सम इसके मैंने करा दिए, बाकी बचे हुए सम आपको करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको क्या लिखना है, नंबर नेम्स लिख रहा हूँ किसके, इंटरनेशनल। यहाँ देखिए 25865475, ये हो गया आपका मिलियन का, ये हो गया 1000 का और ये हो गया वंस का, तो कितना हो गया 25,865,475। यहाँ देखिए मैंने मिलियन और 1000 के नीचे अंडरलाइन लगाया, मतलब ये हो गया आपका इंटरनेशनल। यहाँ देखिए यहाँ भी 100 आया और यहाँ भी 100, ये वाला 100 आपका 1000 में, इसीलिए इसका वर्ड्स में कितना हो गया 25,865,479, मतलब इतनी वैल्यू आपकी मिलियन में होगी, इतनी वैल्यू 1000 में और ये वैल्यू होगी वंस की। ई वाला देखिए 231,600,148, तो ये हो गया आपका मिलियन का 231 मिलियन। मिलियन के नीचे मैंने फिर अंडरलाइन लगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, 600,000, यहाँ वंस और टेंस में जाए इसलिए पूरा 600 था, 600,000, 148। तो यहाँ मिलियन और ये 100 जो है, यहाँ देखिए 100 आपका 3 बार है, फर्स्ट में जो 100 आया वो है आपका मिलियंस वाला, सेकंड में 100,000 वाला और थर्ड में 100 वंस वाला। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 मैंने बता दिए, बाकी बचे हुए सम आपको करना है। यहाँ देखिए 3, राइट द फॉलोइंग फिगर, आपको किस में लिखना है, फिगर में, ये वर्ड्स में लिखा हुआ और आपको नंबर्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा दिया वैसा करना है आपको। यहाँ देखिए बी वाला 289,069,048, देखो मिलियन में कितना है 289, तो 289 ये हो गया आपका मिलियन में, फिर कॉमा लगाओ, 1000 में 69, मतलब 100 में, इसलिए 100 की जगह 0 और 69, ये हो गया आपका 1000, फिर कॉमा और हंस में कितना है 48, 100 में नहीं इसलिए 0, तो 289,069,048, तो इसका वर्ड हो गया 289,069,048। एच वाला देखिए इसी का 60,044,064, तो मिलियन में कितना है 60, 100 में नहीं है इसलिए 60 से स्टार्ट करेंगे, 44, 100 में नहीं इसलिए 0, 44 और 1000 उसके बाद कितना 1000 के बाद 64, 100 में नहीं इसलिए 064, तो कितना हो गया 60,044,064। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है, बाकी बचे रिमेनिंग सम आपको कम करने।
एक्सरसाइज फाइव आपकी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज फाइव में 1, 2, 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन मैंने अच्छे से क्लियर करा दी। आपका होमवर्क है तीनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में प्रॉपर हैंड राइटिंग में करने, और आपका होमवर्क है इसके असाइनमेंट जो दिया है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बैग फर्स्ट और क्वेश्चन बैग टू, ये आपको करना है। क्वेश्चन बैग वन पूरा ही आपको करना है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन बैग वन ये आपको आपका होमवर्क है और क्वेश्चन बैग टू आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर फोर पढ़ोगे, रीड करोगे। तो आपका आज का सीडब्ल्यू कितना हो गया, चैप्टर नंबर थ्री की एक्सरसाइज फाइव आपकी पूरी कंप्लीट करना है। ये आपका खत्म हो चुका है, यहाँ आपका चैप्टर थ्री कंप्लीट हो गया है और आपका होमवर्क है क्वेश्चन बैग वन और क्वेश्चन बैग टू, ये दोनों आपका होमवर्क में और दोनों आपको बुक में ही करना है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर फोर रीड करेंगे।